मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में गायों की पूजा अर्चना की और उन्हें भोजन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए गाय को आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, गाय से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। गाय हर तरह से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गायों का दूध ही नहीं, गाय हर तरह से उपयोगी होती है। गायों के दूध से कुपोषण को दूर किया जा सकता है। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के रूप में होता है। इससे बनने वाली खाद खेत के लिए संजीवनी के समान होती है। उन्होंने कहा, गाय पर्यावरण की रक्षा के लिए भी उपयोगी है। उन्होंने कहा, गाय के साथ साथ पूरे पशुधन भी शामिल है। हर जगह गौकाष्ठा का उपयोग होता है। कंडों का उपयोग अंतिम संस्कार में होता है और साथ ही अन्य उपयोग भी होते हैं। गौमूत्र में अनेकों दवाइयां बनाई जाती हैं। यह कीटनाशक होती हैं और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, गौ संवर्धन और संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं, यह आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी है। मैंने भी गौ पूजा की है। गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लेकिन केवल श्रद्धा और आस्था नहीं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन का एक पाया भी गाय बन सकती है। तीन चीजें प्रथम दृष्टया मुझे लगती है। एक, कुपोषण अगर दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। हमने अति कुपोषित बच्चों को दूध देने की व्यवस्था की है। गाय का दूध अमृत है, यह मैंने विज्ञान भी कहता है, और इसलिए गो दूध से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को स्वस्थ करें। गो दुग्ध तो अमृत है ही, लेकिन गोबर का उपयोग करके, विशेषकर दो चीजें, एक केमिकल फर्टिलाइजर के कारण हम जो आज अन्न का सेवन कर रहे हैं वो विषाक्त है। जैविक खेती और विशेषकर गोबर पर आधारित जो खाद है उसका उपयोग करके हम धीरे धीरे इस विषाक्त अन्न से मुक्त हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि एकदम ये काम नहीं होगा, लेकिन गाय के गोबर से या गोबर से बनी खाद, गाय के साथ साथ पशुधन भी शामिल है, गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, अन्य पशु हो, वो हमारी जमीन के लिए अमृत का काम करेगा, भूमाता के लिए अमृत का काम करेगा। हम अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ा सकते हैं। उस दिशा में गाय संजीवनी सिद्ध हो सकती है खेती के लिए। और दूसरा है गोकास्ट, जंगल कटने से अगर बचाना है, पर्यावरण की सुरक्षा अगर करना है, तो लकड़ी की जगह गोकास्ट, मतलब गोबर से बने कंडों का उपयोग, इस दिशा में रामबाण सिद्ध हो सकता है। अंतिम संस्कार के लिए गोकास्ट का उपयोग किया जाए। हमारी गौशालाएं पर्याप्त मात्रा में गोकास्ट बना रही है, मतलब गोबर के कंडे बना रही। लकड़ी की चिता जब हम सजाते हैं तो जंगल तो कटते ही है, लेकिन लकड़ी टूट टूट के गिरती है, और इसलिए अस्थियां भी टूट टूट के बिखर जाती है, अस्थि संचय में कठिनाई आती है। मैं अपील करता हूं कि गोबर की खाद का उपयोग तो खेती में करें, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए गोकास्ट की, गोबर से बने कंडों का उपयोग सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हमारे परिजनों का करेगा। इसलिए गौशालाएं पर्याप्त मात्रा में गोकास्ट बनाए और कम से कम अंतिम संस्कार गोकास्ट से किया जाए। गोबर के कंडों का और बहुत उपयोग है। गोबर से कई तरह की उपयोगी चीजें बन रही है, अनेकों गौशालाएं बना रही है। उसके बारे में आज जब हम बैठेंगे
तो इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों से भी चर्चा करेंगे, हमारी कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।